जो आप नमकीन देख रहे हैं ये मैंने एक डो से कई डिफरेंट फ्लेवर्स, यहाँ पर मैंने 6 फ्लेवर्स बनाए हैं, आप चाहे तो कई डिफरेंट फ्लेवर्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची लगती है। ये देखिए कि ये कितने अच्छे से टूट रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका और आपका स्वागत है फैमिली किचन विद दीपिका में। आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और साथ ही इस रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए ये रेसिपी हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल में 3 कप सूजी ली है, आप कप की जगह पर कटोरी भी यूज कर सकते हैं। मैंने सूजी को एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लिया है। अगर आपके पास सूजी ज़्यादा मोटी है कुछ इस तरह से, तो आप इसे ग्राइंडर में एक दो बार पीस लीजिए। कुछ इस तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए। मैंने पीसी हुई सूजी को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके उसमें आधा चम्मच अजवाइन कुछ इस तरह से क्रश करके डाल दी है। अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी और 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी मैंने यहाँ पर कलर के लिए यूज़ किया है और साथ स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर 3 चम्मच मोहन के लिए तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी या फिर वनस्पति घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा मोहन परफेक्ट पड़ा है इसमें तो ये इस तरह से शेप होल्ड करेगा। अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, आप गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी यूज़ किया है, मुझे 3 कप के लिए बराबर 1 कप पानी लिया है और इसे आटे की तरह गूंथ लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। हमें इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर साइड में रेस्ट करने के लिए रख देना है। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में 1 चम्मच टमाटर पाउडर ली है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, और उसमें मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, स्वादानुसार नमक डाला है और साथ ही में थोड़ी सी जीरा पाउडर डाली है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हो गया एक हमारा फ्लेवर तैयार। तो अब हम दूसरा फ्लेवर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर जलजीरे का 1 पूरा पैकेट डाल दिया है और उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मिला दी है। तो ये हो गया दूसरा फ्लेवर तैयार। तीसरे फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे जो हमें नूडल्स के साथ मसाला आता है वो लिया है, यहाँ पर मैंने एक पैकेट उसका लिया है और आधा चम्मच जलजीरा डाला है, साथ ही में उसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला करके हमारा जो तीसरा वाला मसाला था वो रेडी कर लिया है। चौथे मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच प्याज का पाउडर लिया है, उसमें 1 चम्मच टमाटर पाउडर डाल दिया है और साथ ही में आधा चम्मच जलजीरा पाउडर डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। पांचवा फ्लेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जलजीरा लिया और उसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर लिया है और साथ ही में स्वादानुसार नमक। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है और हमारे 5 फ्लेवर्स रेडी हो जाएंगे। हमारा आटा अब रेडी हो चुका है, इसे हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। और देखिए, इसकी हमें लोइयां बनानी है। लोइयां बनाने के लिए मैंने आधे आटे को इस तरह से रोल कर लिया है और अब मैं इसको चाकू की मदद से एक इवन पीसेस में काट लूँगी। तो इस तरह से मैंने पूरे आटे की लोइयां बना ली है। तो एक एक लोई को मैंने यहाँ पर बेलना शुरू कर दिया है और जैसे ये थोड़ा ऐसे रोटी की थिकनेस का हो जाएगा तो हमें इसे बेलना बंद कर देना है। फिर हम इसे चाकू की मदद से काट लेंगे। काटने के लिए आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे बड़े स्टिक्स होती हैं वो वाला शेप, कोई भी शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप दिया है कुछ इस तरह से और अब ये काटने के बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने पूरे आटे को बेलकर इसी शेप में बना लिया है। तो मैं अब इसे प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म होने दिया है। तेल को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म होने देना है हाई फ्लेम पे और बाद में हम इसे एक एक करके जो ट्रायंगल शेप हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे। अब ये
जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे तलते रहेंगे। तो ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन टर्न हो जाता है हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। मैंने इसे यहाँ पे एक बाउल में निकाल लिया है। जैसे ही हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं वैसे ही हमें इसमें मसाला डालना है, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इस पे मसाला अच्छे से चिपकेगा नहीं, इसलिए ये गर्म ही चाहिए। इसकी पूरी अच्छे मसालों की अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए। और इसी तरह से मैंने पूरे मसाले रेडी कर लिए हैं। एक मैंने कटोरी जो है वो नमकीन रखी हुई है।